हमारा अगर देखा जाए करीब 3 करोड़ रुपया है, जिसमें मेरा प्लस जो है 15 लाख मेरे घर का है पैसा। अब बात 1-2 लाख रुपए में खबर हुआ। मैंने नहीं कहा तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो दिया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ और सोचिए इस देश में कितनी सारी चिट फंड कंपनियां हैं और उन्होंने करोड़ों लोगों को लूटा है। सहारा उसमें एक बड़ा नाम है। सोचिए किस तरह से राष्ट्रवाद का जहर घोलकर किस तरह के वो आयोजन करते थे, राष्ट्रवाद का आयोजन करते थे, और हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला हो चुका है। जो चाहे वो जमाकर्ता हो चाहे उनके एजेंट हो, किसी की सूद लेने की तैयारी नहीं और लोगों के पैसे फंस गए। सुब्रत राय जो जेल में भी रहे, बाद में सेबी ने कहा कि पैसे जमा कराइए, वो शख्स किस तरह से वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत को अपना हथियार बनाता था, टीवी चैनल चलाया, आज भी उनका न्यूज चैनल है, एयरलाइंस था, क्रिकेट टीम खरीदा, और आज लोगों के पैसे जो है वो मिलने बंद हो गए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे जंतर मंत्र पर जो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। चलिए लोगों से बात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम है बोली बैठा, बिहार मोतिहारी। हो जाइए, खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए हैं सर? हम बिहार मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ, क्या प्रदर्शन था आप लोगों सर? हम लोग का यही संसद सत्याग्रह का प्रदर्शन था। चिट फंड कंपनी में लोगों का पैसा जो अभी फंसा हुआ। कौन सी कंपनी के लिए आप क्या थे, कार्यकर्ता थे? नहीं, हम कार्यकर्ता थे समी जीवन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और 2012 से मैं उसमें काम कर रहा था। भागे कंपनी? भागे नहीं, सरकार ने उसको बैंड लगा दिया और सीएमडी उनको जेल में है। अभी तक हम लोग कितना प्रयास किए, कभी जेल से बाहर आते हैं फिर अंदर चले गए, लोग हम लोग को मारने पीटने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग कितना पैसा आप जमा करवा चुके हैं? हमने 1 करोड़ रुपया, मैं अपने आपके थ्रू है? हाँ, हमारे थ्रू है, जो सिर्फ गरीब किसान का है, बेसहारा लोगों का है। कितना प्रयास कर रहे हैं, बहुत जगह डीएम के पास में हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, सब जगह दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उसके हम लोग मैं आया हूँ समृद्ध जीवन के दिया से, बाड़मेर राजस्थान से। हमारा पैसा बहुत फंसा है इस कंपनी में, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। कौन सी कंपनी? समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा से, फ्यूचर मेकर से। हमारी बहुत कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? जी बिहार से आए हैं। आप कौन कंपनी चाहिए? समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव। कौन था इसका मालिक? महेश किशन मोतवार। ये मोटवार जो टीवी चैनल चलाता था लाइव इंडिया। हाँ हाँ, लाइव इंडिया। सोचिए सुधीर चौधरी उसके संपादक हुआ करते थे, बकरी बकरी का व्यवसाय करता था ना सर, वो भेड़ पालन और बकरी पालन, पशुपालन का उसका था, भैंस पालन, बकरी पालन। सोचिए सुधीर चौधरी भी उस लाइव इंडिया में वो फाइनेंसर थे, मालिक बने, उसमें भी उनके पैसे जमा थे। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सोचिए चिटफंड कंपनियां किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाती है, ये तस्वीरें देख लीजिए। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। कितना पैसा फंसा हुआ है आप लोगों का? कई फंसा हुआ है, कई 1-2 लाख रुपए में खबर हुआ। हाँ जी, तो मतलब आप एजेंट थे या जमा? एजेंट। आपका सर? मैं एजेंट भी हूँ और बदायूं डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम आरपी शर्मा है, मैं एजेंट हूँ। मेरा नाम आरपी शर्मा है और बदायूं जनपद से आया हूँ। मेरा स्वयं का 78 लाख रुपया जमा है सारा इंडिया से, और हमारे माध्यम से 6000 एजेंट है आज बेघर हो गया है। आपका 78 लाख? 78 लाख मेरा खुद का जमा है, मैच्योर हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है। जब वहाँ जाओ मैनेजर के पास तो आजकल करते करते 3 साल से ज्यादा गुजार दिया है। पंडित जी फ्री पैसा फंसा लिया? अरे भाई पंडित है तभी तो ज्ञानी, लेकिन अल्प ज्ञानी है। अगर पूरा ज्ञान होता तो क्यों जमा करते, क्यों लोगों को जमा कराए होते? बात तो ये है, जनता तो आपको ढूंढ रही होगी। जनता हमको ढूंढ रही है, लेकिन हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि एक आह्वान वो चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हमारे पैसा जब होगा नहीं तो हम कैसे बेटी पढ़ाएंगे, और पैसे के भाव में बेटियां तो मोदी जी कहे थे जमा करने के लिए। मोदी जी ने नहीं कहा तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो दिया था। लाइसेंस किसने दिया था? मेरे घर से नहीं बना था, वो सरकार ने दिया था। लाइसेंस तो सरकार ने दिया था, वो मेरे घर से इशू नहीं हुआ था। ना लाइसेंस दिए होते, ना हम एजेंट बने होते, ना जमाकर्ता का जमा होता। तो कुछ लोग सुसाइड भी कर लिए? सुसाइड वो कर लिए होंगे जो कायर होंगे। हम कायर नहीं, हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे और लड़ करके भुगतान लेकर के मानेंगे। गलती आपकी है, चिटफंड कंपनी पैसा आप जो मोदी जी की, क्या गलती? बिल्कुल पूरी पूरी गलती है, क्योंकि रिन्यू उन्होंने किया है, गवर्नमेंट किसी दूसरे ने लाइसेंस दिया तो रिन्यू उन्हीं की सरकार में हुआ है। 100% उनकी गलती है। यदि गलती होने के बावजूद भी अभी भी कोई जो हमारा बस है जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है तो लागू क्यों नहीं करते हैं उसको? ये उनकी लापरवाही है, ढील है, और या तो स्लोगन उनका झूठा है, सच है तो हमारे एक एक जमा करता। क्या कैबिनेट में पास हो गया है भाई? जो बस है 1900 जी
मैं जानबूझकर इस तरह की खबरें करता हूँ, मुझे अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। सोचिए जो गरीब लाचार बेबस लोग हैं, जिनके आंखों में बड़े बड़े सपने थे, किसी का 70 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, ये वो लोग थे जो गरीब थे, मजदूर थे, सब्जी बेचते थे, ठेला चलाते थे, गरीब लोग का 10-10 रुपए का, 20-20 रुपए का रोज जमा करते थे, और वो भाग गया है। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। कितना माल जमा किए थे? हमारा स्वयं 4 लाख रुपए है और हमारे थ्रो लगभग 80 लाख रुपए है। माल तो बीच में बहुत काटे होंगे, कमीशन बहुत आता है। माल काटने क्या, मैं बताना चाहूंगा, हम लोग प्लेसमेंट सर्विस से गए थे, वहाँ का विद्यालय में कैंप लगा हुआ था, कैंप के थ्रू भेजा गया था, इनपुट हुए थे। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि जो अधिनियम 2019 है उसको लागू, अधिनियम में क्या पैसा मिल जाएगा सबका वापस, वो इसीलिए बनाया गया है। अच्छा, सहारा वाला कौन कौन है यहाँ? सहारा वाले हूँ। आप कौन लोग हैं? टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी। आपका कितना ले गया माल? हमारा स्वयं केयर, हमारे हाथ से जो जमा है लगभग कम से कम 2 करोड़ जमा है। 2 करोड़ आपके हाथ से? हमारे हाथ से। तो सब अपने रिश्तेदारों को आप तो मतलब तैयार किए होंगे कि पैसा लगाओ, ज्यादा पहले रिश्तेदारों को तैयार करना है। देखिए, अपना कोई दुश्मन तो देता नहीं है, तो रिश्तेदार तो ढूंढ रहे होंगे। इसमें गलती तो सरकार की है ना। 2 करोड़ रुपया ऐसे लोगों को क्यों लाइसेंस देती है? ये तो गलती सरकार की है। एजेंट तो अपना 2 पैसा कमाने के लिए ज्वाइनिंग लेता है और काम करता है, उसमें एजेंट की क्या गलती है? एजेंट तो ये चाहता है कि अपने लोगों का हित होगा और मेरा भी हित होगा। आपको लगता है कि सरकार की मिली वगैरह? सरकार तो ही कंपनी अधिनियम लागू किया, कंपनी की तरफ थ्रो ही सर्टिफिकेट दिए गए, सर्टिफिकेट में ही। एजेंट कोई बेईमानी करने के लिए तो ही जोड़ता है, के बदले 50 कमीशन मिल रहा था, उस समय समझ में नहीं आता? ऐसा नहीं है, जो कंपनी का नियम था वो कमीशन देती थी। सर, कमीशन की बात की जाए, हमारी LIC यानी जो है वो 25% कमीशन देती है, इन कंपनियों में 5-6% का 5-6% यानी कमीशन भी कम मिल रहा था। अगर देखा जाए साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के जो है लाइसेंस इन्होंने दिया, बंद इन्होंने कराया, उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट किया, 111 करोड़ 49 लाख रुपया जो है सेबी के पास है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, और जिसे अभी वो रिलीज नहीं। इसी तरह सारी कंपनियों का मैटर है कि लाइसेंस भी सरकार ने, अगर देखा जाए सर करोड़ों अरबों की जो ठगी होती है सर, बगैर जो है गवर्नमेंट के राजनीतिक संरक्षण के अगर ना हो तो संभव नहीं है। इन्हीं लोगों ने लाइसेंस दिया, इन्हीं लोगों ने। और सर, एक जब सहारा की बात कर लिया जाए, कौन सी कंपनी थी सर? साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। आपकी कौन सी थी? हमारे कॉस्मिक ग्रुप में है, 8 लाख रुपए। आपसे तो बात हो चुकी है, 8 लाख रुपए हमारे घुटे में। इधर आ जाइए। हाँ, कितना माल है आप लोग का बताइए, देश देखे कि रिश्तेदारों का 3 करोड़ रिश्तेदार जानने पहचानने वाले सारे लोग जो है। और सर देखा जाए एजेंट क्या है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी और इनके सर बाकायदा जो है रोजगार वाले वो कैंप लगते थे, बाकायदा इनका जो है चाहे IAS हो चाहे मंत्री हो विधायक, ये लोग जो है बाकायदा क्या करने आता था। हाँ सर बिल्कुल। अरे सर, ये साईं प्रकाश में देखा जाए सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे, इनका खबर भारती न्यूज चैनल था साईं प्रकाश का, उसमें जाए दिग्विजय सिंह। ये बड़ा चिट फंडिया कंपनी सब खबर न्यूज चैनल भी बनाता है, लाइव इंडिया भी उसी का था, उसके बाद एक खबर भारती था, एक बार MH1 न्यूज था, ये सब चिटफंडी कंपनी का है, न्यूज एक्सप्रेस था। आप किस कंपनी से जुड़े हुए? मैं ताराचंद आजाद राजस्थान से, सहारा इंडिया से हूँ। कितना माल जमा कराया? मेरे को 31 वर्ष संस्था में काम करते हुए हुआ और मेरे द्वारा कम से कम 50-60 करोड़ जनता का जमा किया गया है। बहुत बड़ा, 60 करोड़ रुपए या 50-60 करोड़? 60 करोड़ जनता का पैसा, रुपया 50-60 करोड़, पूरा देश हो जाता है। राजस्थान की कितनी आबादी? 50-60 करोड़ रुपया जमा किया है जनता का। अच्छा, जनता का 50-60 करोड़ रुपए जमा किया। कितने लोगों को रिफंड हुआ? रिफंड तो 31 वर्ष से रिफंड खूब किया, लेकिन इधर 5-7 साल से पैसा नहीं दे रही कंपनी। तो ढूंढ रहे होंगे लोग? ढूंढ रहे क्या, हमारी जान को खा रहे हैं, घर में नहीं रहने देते, हमारी बीवी बच्चों को गालियां देते हैं, हमारे बच्चों को रस्ते में नहीं निकलने देते, पढ़ाई चालू हो गई, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भगे डोलते हैं इधर से उधर। सुब्रत यादव तो कहता था हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी नहीं, बहुत बड़े देशभक्त थे, देशभक्त भी हैं, बहुत बड़ा देश के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन इधर क्या है कि सबसे ज्यादा दोषी है इस देश का कानून, इस देश की सरकार, इस देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोग, वो ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने लाइसेंस दिया और लाइसेंस देके आज जो परेशानियां तो कर सुब्रत राय हीरोइनों को नचा नचा के सारा पैसा बर्बाद कर दिया। हर कंपनी वाला कहता है ये कोई बात नहीं है,
लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो आज जो मुद्दे अभी भी मालिक के वफादार हो, वफादारी सही बात नहीं बोलो, वफादारी की बात नहीं है, वफादारी की बात नहीं है, ग्लैमर के लिए बहुत कुछ करना होता है और वो कोई गलत नहीं किया, लेकिन ग्लैमर दिखा के ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन दिखा के लूट लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो सरकार में हुई है आज 40 सालों से कंपनी चल रही है, जब समस्या नहीं हुई, अब नरेंद्र मोदी जी आते हुए क्यों समस्या हो रही है? मोदी जी तो ईमानदार पीएम है, अगर जेटली हमारी कंपनी के पल्स कंपनी के लीगल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली के निगरानी में कंपनी चल रही थी, जैसे ही अरुण जेटली वित्त मंत्री बने वैसे कंपनी में ताला लगा। आदरणीय मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी, वाकई में आप कह रहे हो सही है मोदी जी, लेकिन मोदी जी हम लोगों का जितना सहारा बन रहे हैं उससे ज्यादा वो उन लोगों के सहारा बन रहे हैं जहां से उन लोगों को पैसा मिल रहा है। देखिए आप सुब्रत राय, जितने भी चिटफंड के जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं हमारी, मैं एक बानगी दिखा रहा था, ये खबर बहुत जरूरी है, ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, नेशनल दस्तक दिखा रहा है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस देश में 90% लोगों की रीच बैंक तक नहीं है, वो इसी तरह के चिटफंड कंपनियों में फंसते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई गमा बैठते हैं। इस देश में एक बड़ा रैकेट चल रहा है जिसमें धन्ना सेठ लोग, मंत्री लोग सबकी मिली भगत है और वो ऐसे गरीब मजदूर लोगों को एजेंट के जरिए अरबों खरबों रुपए डकार लेते हैं। ये सबसे बड़े देश के गद्दार हैं जो आम आदमी का पैसा लेके बैठे हुए हैं, सरकार इन पर कार्रवाई भी नहीं करती, इनको जेल में भी नहीं डालती है और ये लोग गरीबों का पैसा लेकर ऐश कर रहे हैं। ऐसे चिटफंड कंपनियों से सावधान रहिए। मेरी लगातार कोशिश है कि आम जनता की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। क्या ये खबर जरूरी था नहीं था आप लोग जरूर बताइए। हजारों की संख्या में जंतर मंतर पड़ा है लेकिन कोई टीवी अखबार वाला ये खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन लोगों ने भी मोटी कमाई कर रखी है और वो सरकार के खिलाफ कभी बात नहीं करते हैं और न वो जनता की बात आप तक पहुँचाते हैं। मेरी लगातार कोशिश है कि ऐसी तमाम खबरें जिससे सीधे आम आदमी जुड़ा हुआ है आप तक पहुँचाई जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।